मंगल मंगल हो। भारत की अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी, इसरो ने हासिल किया एक और मुकाम। अंतरिक्ष में भारत का सैटेलाइट GSAT-18। इसरो ने एक बार फिर अपने काम का लोहा विश्व को मनवा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-18 का सफल प्रक्षेपण गुरुवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 3 बजे किया गया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण बुधवार को होना था, जो कोरू में खराब मौसम के चलते 24 घंटे के लिए टाल दिया गया। ये इलाका दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसरो ने जानकारी दी कि फ्रेंच गुआना के कोरू से 3,404 किलोग्राम वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुआना स्थित कोरू के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 उपग्रह प्रक्षेपण यान से किया गया। बता दें कि GSAT-18 की अनुमानित ऑपरेशनल एज 15 साल है। साथ ही ये सी बैंड, विस्तृत सी बैंड तथा कू बैंड पर सेवाएं देगा। I am really delighted this evening having witnessed another glorious and flawless liftoff of Ariane VA-231 flight that carried India's GSAT-18 satellite along with its co-passenger SkyMaster 2 successfully. Like on all previous occasions, Ariane Space has provided us yet again a magnificent textbook launch. GSAT-18 इसरो का 20वां उपग्रह है, जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। एरियन स्पेस लॉन्चर परिवार का ये कुल मिलाकर 280वां लॉन्च था। इसरो अपने भारी भरकम सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए एरियन 5 रॉकेट पर निर्भर रहा है। हालांकि भारतीय स्पेस एजेंसी अब इसके लिए GSLV-MK3 बना रहा है। 3,404 किलो के GSAT-18 में 48 संचार ट्रांसपॉन्डर हैं। इस सैटेलाइट के लॉन्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है और देश के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद भी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।